पूर्णियापुर प्रखंड के कवैया पंचायत की चुनावी सरगर्मी इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है और मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच तमाम पदों पर ताल ठोकने वालों में जुबानी जंग प्रारंभ हो गया है। कोई विकास का ढोल बजाने में लगे हुए हैं तो कोई विकास की हवा निकालकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पंचायत पूर्णिया का वह पंचायत है जिसे निर्मल पंचायत का दर्जा प्राप्त है और पूर्व मुखिया पवन यादव ने पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित करवाकर राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया था, किंतु फजलुर रहमान जब पवन यादव को पराजित कर मुखिया बने तो उन्होंने निर्मल पंचायत की पोल खोल कर रख दी। फजलुर रहमान के मुताबिक पवन यादव ने वाहवाही लूटने के लिए इस पंचायत को कागजी घोड़ा दौड़ाकर निर्मल पंचायत घोषित कर दिया, जिसके कारण यह पंचायत सबसे ज्यादा पिछड़ गया और उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों को कई वर्षों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। यही वजह है कि पंचायत का केवल 30-40% ही विकास हुआ, जिसे उन्होंने मुखिया बनने के बाद किया। और समुचित विकास नहीं होने के लिए पूर्व मुखिया पवन यादव ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पंचायत का विकास रोकने के लिए उनके साथ भी दबंगई की, जिसे जनता जान चुकी है और इस बार पवन यादव को जनता करारा जवाब देगी और बड़े अंतराल से वे चुनाव जीतेंगे, ये फजलुर रहमान का दावा है। आज के लिए जहाँ तक बात है, जो भी सरकारी फंड मिला उसे मैंने रोड बनाया, 7 निश्चय से जो फंड मिला नली गली बना, और 14वीं और पंचम से जो मिला वो मेन सड़क बना, जो भी फंड मिला। और जहाँ तक और सब विकास की बात है, पूर्व मुखिया जो थे वो निर्मल ग्राम पंचायत कागजी पर बना के रखा था, जो कि वास्तव में उस भी टाइम में स्थल में कुछ नहीं था, कोई अवशेष नहीं था, आज भी कोई अवशेष नहीं है। हमने 2000 ने जीतने के बाद 3 साल के बाद एक पदाधिकारी DDC आए हुए थे, IAS अफसर, उनके पास मैंने ये गुहार किया कि हमारे पंचायत जो है खुले में शौच करने के लिए बेबस है, मेरे पंचायत को भी देखा जाए। आज से 9-10 साल पहले निर्मल ग्राम पंचायत पूर्व मुखिया बनाए थे, जो कि कागजी में ही रह गया, स्थल में कुछ नहीं है और न शौचालय बना है। तो मैंने DDC साहब को बोलने के बाद BDO साहब को ऑर्डर दिए कि आप जाइए वहाँ के जनता और मुखिया जी को लेकर के पंचायत में जा करके आप मीटिंग कीजिए और जिस तरह से व्यवस्था हो कवैया पंचायत में शौचालय का व्यवस्था दीजिए। BDO साहब आए, हम लोग मीटिंग किए आम पब्लिक को लेकर के, उनके बाद ऑर्डर मिला कि आप सर्वे कीजिए कितना शौचालय बना हुआ है और उनको पेमेंट कराइए। उसमें मोटा मोटी 800-850 मैंने गया है इंक्वायरी हो करके, जो कि आज लगभग 400-500 आदमी को मोटा मोटी पैसा मिल चुका है, लाभ मिल रहा है और जो बाकी है उनको भी मिलेगा। अच्छा, ये गली नली के तहत जो सड़कें बनी है, साथ ही साथ शौचालय बना है, साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम कुछ हुआ है और घर भी बना है, मनरेगा के तरफ से शौचालय की व्यवस्था दिया है और लेबर का भी पेमेंट किया है, तो जो जो मतलब इंदिरा आवास जिनको जिनको मिला है सारे आदमी को ये व्यवस्था मिला है। अच्छा, ये बताइए कि 500-550 या 800-850 भी मान लें, तो क्या आपका जो पंचायत है वो पूरी तरह से शौचालय युक्त हो गया? जी नहीं, अभी भी बाकी है। कितना प्रतिशत लोग हैं जो बाकी है अभी जिसके घर में शौचालय नहीं है? मोटा मोटी 35-40% आदमी को मिला है, 60% लगभग अभी भी बाकी है। ऐसा क्यों हुआ कि आप 60% बाकी है अभी तक? 100% बाकी था, वो तो IAS अफसर DDC साहब जो आए हुए थे उसी के रीजन में ये हुआ, जो कि 40% तक अभी तक पेमेंट मिल चुका है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपसे जो पहले का मुखिया था उन्होंने कुछ नहीं किया? वो तो पूरा पंचायत ही बताएंगे कि किए हैं या नहीं किए हैं। जो आदमी कागजी घोड़ा दौड़ा सकता है, निर्मल ग्राम पंचायत बना करके राष्ट्रपति से पुरस्कार ले सकते हैं और वास्तव में कुछ नहीं है पंचायत में, तो उसका बात तो वही बता सकेंगे। जमीन है क्या तो सच्चाई नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है, आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। निर्मल ग्राम पंचायत बनाए ये भी मतलब कागज अभी मौजूद है DM ऑफिस में। लोगों का कुछ आवास वगैरह बना है क्या? आवास मिला है, पहले आवास मिला है, उस टाइम में फंड कम था,
40,000 या 45,000। लेकिन आपके समय में कितना मिला? हमारे समय में 1,20,000 रुपया मिला। कितने लोगों को मिला है? लगभग 150 आदमी को मिला है। तो और बच गए कितना? अभी 60-70% बचा हुआ। 60-70% बचा हुआ, बचा हुआ। तो यानी कि जो भी 25-30 या 40% काम हुआ है वो सिर्फ आप किए हैं? हमसे पूर्व में भी इंदिरा आवास मिला है, उनके रीजन में भी इंदिरा आवास मिला है, लेकिन मेरे रीजन में कुछ ज्यादा मिला है। मोटा मोटे हमारे जितने के बाद 150 आदमी को इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास उन लोगों को मिला है जी। अच्छा, ये जो पानी घर घर पहुंचाने की बात है, क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 200 वार्ड में पानी का व्यवस्था मिल गया। लोग पानी ले रहा है, पी रहा है? नल से सभी आदमी पानी पी रहे हैं। समय पर आता है पानी? हाँ, पानी आता है। 2 घंटा सवेरे चलता है, 2 घंटा शाम में चलता है। इस दरमियान काफी डिस्टर्ब भी रहे, कई बार तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा। हम जैसे मुखिया बने, पूर्व मुखिया ने हमारे ऊपर इलेक्शन सूट केस किया। हमने तारीख हर दिन किया, पर डे तारीख था, पर डे हमने तारीख किया, और तारीख करने के बावजूद जो समय बचा मैंने विकास का काम किया पंचायत में। प्रतिदिन तारीख होता था? प्रतिदिन, 1 साल तक प्रतिदिन चला, उसके बाद 3 साल 1 दिन के बाद 1 दिन चला। आखिर क्या बात थी जो आपको इतना तारीख पे तारीख मिल रहा था? मेरा पुराना कोई केस था 87 का, जिस केस में हम बरी थे, चार्जशीट में मेरा नाम बरी था, हम फ्री थे कि हम तो केस से बरी हो गए, लेकिन बोलते हैं कि नहीं आप फरारी घोषित हैं। मैंने जब ये केस हुआ, मैं जानकारी हुए, तो हमने हाजिर होकर के उस केस को रिहा हो गए उस केस से। अच्छा, तो क्या माने कि अगर आपको इस तरह से परेशान नहीं किया जाता तो पंचायत का जो विकास है उसको और आप तेजी से करते? और तीव्र गति से होता विकास। तो लगता है कि इस परेशानी के कारण विकास कुछ कम हुआ? हाँ, बिल्कुल कम हुआ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पूर्व मुखिया है। आज माइनॉरिटी जो हमको दिया, पब्लिक जो हमको वोट दिया, हम तो अपने आप छीन करके वोट नहीं लिए, पब्लिक ने अपने चाहा तब ही हम मुखिया बने, और आज वो हमारे ऊपर केस किया तो पब्लिक को ही बेइज्जत किया। पब्लिक में इस चीज को लेकर किस तरह का रिएक्शन है या फिर क्या है? बहुत अच्छा रिएक्ट है। रिएक्ट के चलते मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो पब्लिक, आप जो जेल गए जी, तो पब्लिक में इन बातों को लेकर के गुस्सा है या फिर पब्लिक कहती है कि नहीं चलिए वो मुखिया जी गलती की होगी, इसलिए लेकर के पब्लिक में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है। तो इस बार क्या होने वाला है रिजल्ट यहाँ का? इस बार आपके पंचायत का जो चुनाव होगा तो रिजल्ट क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जनता का जो रुझान है, जनता का जो कहने का तात्पर्य है कि आपको इतना डिस्टर्ब किया, पुनः आप ही को लेकर आएंगे। तो क्या जो विरोधी है उसको जनता जवाब देना चाहती है? बिल्कुल जवाब देना चाह रही है, दे रहा है, अभी भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है। पब्लिक उनको मुंह पर जवाब दे रहा है, आपने पूर्व में क्या किया, पंचायत को बेच के खाया, निर्मल ग्राम पंचायत बनाने की क्या दरकार थी, पूरा पंचायत खुले में सोच करने के लिए बेबस था, ये मुखिया आए जब तब निर्मल ग्राम पंचायत को तोड़े, आज सबका 12,000 रुपया करके अकाउंट में घुस रहा है, जवाब कैसे नहीं दे रहा है? जवाब तो पब्लिक दे रहा है उनको। आज पशु सेट नहीं था पंचायत में किसी किसान के घर में, आज घर घर देखे पशु सेट बना हुआ। पैक्स में खरीदारी होती है? हाँ बिल्कुल होता है। किसान सही दाम पर अनाज बेच पाते हैं आपके? किसान कहाँ बेचते हैं, व्यापारी बेचते हैं अनाज। थोड़ा इसको भी प्रॉब्लम, तो इसको भी दूर कर लेते, थोड़ा इसको भी दूर कर लेते कि कम से कम जो पैक्स है वो किसान का खरीदे, व्यापारी क्यों खरीदेगा? किसान के पास जितना उपजाऊ होता है वो खाने बराबर होता है, वो बेचेंगे क्या? तो व्यापारी आखिर लाता कहाँ से? व्यापारी लाता है, व्यापारी को मंगाया जाता है, टैक्स अध्यक्ष मंगाता है व्यापारी से। तो ये जो गड़बड़ी हो रही है जी, इसको दूर नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। दूर करने के लिए क्या सब किया अभी तक? अभी तक तो नहीं किया, जनता को जागरूक किया कि आप अपना धान बेचिए पैक्स में, लेकिन धान ही नहीं है तो बेचारे बेचेंगे कहाँ? बाकी और तो फसल है, मक्का है। मक्का तो पैक्स में नहीं लेते हैं। धान है, गेहूं है। बिल्कुल धान ही लेते हैं, गेहूं वगैरह तो खेती नहीं होता, होती ही नहीं है जी। तो इसके लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं। अभी तक 1, 2, 4, 5, 10 किसान भी बेचा है आपके पंचायत में पैक्स को अनाज? अभी तक तो नहीं देख रहे हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है। बिजली की स्थिति कैसी है? बिजली की स्थिति ठीक है। हाँ, काम तो बिल्कुल हुई है, और ये 15 साल का आप अगर कंपेरिजन ये 5 साल में करते हैं तो बेहतर विकास हुई है कवैया पंचायत का, और चाहे वो रोड हो,
चाहे वो बिजली ये आपका पानी हो या फिर इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन, ये सारा समस्या जो है मुखिया जी हल किए हैं और बेहतर विकास भी किए हैं। पूरा समस्या समाधान हो गया है या फिर 15 साल से ये जरूरी नहीं है पूरा विकास हुआ है, कुछ बाकी भी है क्योंकि 4 साल रहे उसके बाद ये फिर सस्पेंड भी हुए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ काम बाकी भी है। तो आपको ये लगता है कि मुखिया जी ने कहा कि जिस तरह से इनको परेशान किया गया, अगर परेशान नहीं किया जाता तो इनका कहना हुआ कि ये विकास को और तेजी से आगे बढ़ा सकते थे? हाँ, विकास तेजी से बढ़ाते अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे किसी काम को लेकर, एक काम पर अगर फोकस करते तो वो बेहतर होगा, अगर आपको डाइवर्ट करके रखेगा वो काम नहीं हो पाएगा। तो डाइवर्ट थे ये, चाहे खेत हो या जो भी हो, जैसे हमारे पश्चिम टोल में वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पे कागजी प्रक्रिया के हिसाब से पेमेंट उठ चुका था रोड का, ठीक है, लेकिन रोड बना नहीं दरअसल थी। जब मुखिया जी ने इसका शिकायत किए, DDC साहब आए चेक किया, तो वो उसका पैसा जो है पटना से रिफंड किया गया और दोबारा उस पर फिर पुनः रोड बना। 17 साल जो हुआ ये जाति के आधार पर ही वोटिंग होते रहा कभी पंचायत में, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, लेकिन इस चीज़ को ये 4 साल 5 साल में ख़त्म कर दिया गया, क्यों मुखिया जी बेहतर यही किए, ना हिंदू को देखे ना मुस्लिम को, सबके लिए एक समान सबका विकास किए। अच्छा, जिन लोगों ने इनको काम करने में डिस्टर्ब किया, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने पंचायत को डिस्टर्ब किया? बिल्कुल किए हैं, और आप ये हमसे नहीं, आप पूरा पंचायत का अगर दौरा करके हर एक जनता से पूछिएगा तो वो आपको जवाब देंगे। फजलुर रहमान के समर्थकों में पवन यादव के गांव के प्रदीप यादव समेत कई और लोग भी दिखे। वहीं पवन यादव से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान का सारा आरोप गलत है। फजलुर रहमान ने वार्ड सदस्यों के साथ पक्षपात किया है, इसके कारण कई वार्डों में कुछ भी काम नहीं हो सका और वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। पवन यादव ने कहा कि जनता इस बार उन्हें अपार मतों से कवैया पंचायत का मुखिया बनाने जा रही है और फजलुर रहमान को जनता सबक अवश्य सिखाएगी क्योंकि उनमें नेता का कोई लक्षण है ही नहीं। देखिए, आईना और आंकड़ा कभी झूठ नहीं बोलता है, और ये जो आप कहे बात कि निर्मल पंचायत घोषित कर दिया, निर्मल पंचायत मुखिया घोषित नहीं करता है, ये तो सर्वे होती है, प्रखंड में जाता है, जिला में जाता है, राज्य में जाती है, तब नई दिल्ली जाती है। हम लोगों ने जो उस समय निर्मल ग्राम पंचायत में काम किया था, हमारे यहाँ BPL की संख्या 515 थी और APL की संख्या 1096 थी। हमको 515, 1096 और आंगनबाड़ी और स्कूल, इसको जो है मतलब शौचालय से आच्छादित करना था, शौचालय से युक्त करना था। हम लोगों ने काम किया, उसी काम के आधार पर हम लोगों का पंचायत जो है निर्मल ग्राम पंचायत घोषित हुआ, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। और जब आबादी बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ा, तो और चीज़ की ज़रूरत होगी लोगों को। आप कहीं पर 15 आदमी को शिक्षित कर देते हैं, कहते हैं कि अब पूरा जिला शिक्षित हो गया, इसके बाद जो बच्चे पढ़ेंगे फिर उसको भी शिक्षित करने की ज़रूरत है कि नहीं? ये आरोप जो है उसका बेबुनियाद आरोप है, वो अपना जो है कमजोरी छिपाने के लिए दोषों पर दोषारोपण करते हैं। दूसरी बात, उनका ये भी आरोप है आप पर कि आपने उनको बेवजह एक किसी मामले में, पुराना मामला में फंसा कर जेल भेजा, परेशान किया, जिसके कारण पंचायत का काम नहीं हो पाया और पंचायत पीछे रह गया। देखिए, वह जो है एक भगोड़ा आदमी था, उसके ऊपर 1992 में कोर्ट के द्वारा जो है उसको परमानेंट एब्सकॉन्डर कर दिया गया था, भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। उसने अपने वारंट को दबाकर, निर्वाचन में सूचना को छिपाकर, धोखा देकर गलत तरीके से मुखिया बन गया था। हमने उसी बात को कोर्ट में दिया, कोर्ट ने उस बात को कंसीडर करके उसको मुखिया पद से हटा दिया और इलेक्शन को ख़त्म कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। तो हम अगर गलत ढंग से आरोप लगाते तो कोर्ट उसको आरोपित नहीं करती, उसको बरी कर देती। तो आपको कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, एक भगोड़ा आदमी हमारे गाँव का मुखिया हो जाएगा, हमको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एक आम शहरी होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई गलत काम करता है तो ये भी तो आपको देखना चाहिए कि उनको पूरा पंचायत के लोगों ने वोट देके मुखिया बनाया था, कोई आपको बनाया नहीं? वो सही बात है, पंचायत के लोगों ने वोट देके मुखिया बनाया, लेकिन पंचायत के लोग अगर किसी भगोड़ा को मुखिया बना देगा तो उसको हम लोग उसका नहीं करेंगे विरोध, उसको नहीं मानेंगे आप भगोड़ा को? नहीं, पहले कानून, एक अच्छा आदमी ही ना मुखिया बनेगा। अगर आपके ऊपर केस है तो सरेंडर करिए। वे फिर जेल गए उस मामले में, सरेंडर करके जेल गए, फिर गवाही गुजर के बरी हुए। जब केस ही नहीं था तो फिर उसको जेल जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, जब उनको मुखिया पंचायत के लोगों ने चुनकर बनाया था, हाँ,
तो आपने उनके पीछे लग करके पुराना नहीं नहीं उनके उनके पीछे नहीं लग के ये एक सच्ची बात को कोर्ट में बताया कि एक भगोड़ा आदमी कभी आप पंचायत का मुखिया है सर, इसको देखा जाए। तो कम से कम आप इस बात को पहले रखते, पहले जानकारी नहीं थी हमको, जनता के बीच में जाते कहते उनको कि ये भगोड़ा आदमी इसको वोट मत दीजिए। पहले पहले नहीं जान, पहले जानकारी होती तो कहते हैं। तो हाँ पहाड़ गए तब आपको खोजने जानकारी उन्हीं के बस्ती के लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है मुखिया जी। तो फिर जानकारी मिला तो हमने कोर्ट में किया, कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। अच्छा ये बताइए जो कह रहा कि विकास का काम आपके कारण नहीं हुआ। जी नहीं, विकास विकास जो है वो नहीं कर पाए, वो भेदभाव करते हैं, वो कंप्लीट जो है मतलब कि भेदभाव, जो उसको मत देंगे उनका काम करेंगे, जो मत नहीं देंगे उसका नहीं काम करेंगे। वार्ड नंबर 3 में उन्होंने काम नहीं किया, वार्ड नंबर 4 में उन्होंने काम नहीं किया। भेदभाव का तो आरोप आप पर लग रहा है कि उन्हीं का कहना कि आप करते हैं भेदभाव। हम कहां भेदभाव करते हैं, जो आदमी पर नहीं है वह क्या भेदभाव करेगा। 15 साल में क्या किया? 15 साल में मदरसा में जाके मदरसा का जीर्णोद्धार कराया है, जाके मदरसा का बोर्ड देख लीजिए, वो सबसे जीवंत उदाहरण है। बशीर के घर से लेके नदी के किनारे तक सड़क बनाया उसका देख लीजिए जाके। प्राथमिक विद्यालय सभागंज को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया जाके उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति पुरस्कार भी ले लिए हाँ। लेकिन पंचायत अभी 60-70% लोग घर में शौचालय नहीं है। लोगों की संख्या बढ़ी है, लोगों की संख्या बढ़ी है तो क्या मतलब निर्मल ग्राम हो गया तो अब शौचालय अपने आप बनते रहेगा? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, राशि मिलेगी, काम होगा तब होगा लोगों। क्या क्या माने कि आपने काम को बाधित किया या फिर वो करा नहीं पाए? नहीं देखिए, आप हम बोलेंगे और वो बोलेंगे उससे आपको पता नहीं चलेगा, आप लोगों के बीच चले जाइए, लोगों के बीच जाने से आपको पता चल जाएगा कि क्या बात है। और सब वार्ड में 40 लाख 60 लाख के आसपास हुआ, आपके वार्ड में जब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर 7 लाख का काम क्यों हुआ? 7 लाख का काम क्यों हुआ है कि हम लोग को सरकार मान लीजिए कि 1 लाख में 60,000 हम लोग को काम कराने दिया जाता है, उसमें से आप किसी पहले मुखिया खोजता है कि पहले पीसी अगर नहीं देगा तो तुमको तुमरा हम सेकंड से चेक नहीं कटेगा तुमरा, तो पीसी पहले हम उसी में पीसी हम मुखिया जी को दे दें फिर काम कैसे होगा? तो इसीलिए काम नहीं करा रहे हैं? इसीलिए काम नहीं करा पाए हम लोग कि पहले मुखिया जी पहले पीसी खोजते थे कि पहले पीसी हमको दो। सिर्फ मुखिया ही पीसी खोजता है कि और भी लोग खोजता है पीसी? मुखिया जी पहले पीसी लेते हैं और उसके बाद कोई नहीं लेता है? उसके बाद जेई साहब लेते हैं पीसी। जेई साहब कितना लेते हैं? 7%। और उसके बाद और कौन कौन लेता है? उसमें जो है कि 60% जो दिया जाता है उसी में पीसी मुखिया जी भी लेते हैं और जेई साहब भी लेते हैं। अच्छा 60% में आप लोग काम करते हैं? हाँ। जो 40% है वो पीसी में चला जाता है? हाँ 60% में जेई को भी देना पड़ता है। अच्छा 60% के अंदर ही? हाँ उसी में मुखिया जी भी 5% ले लेते हैं पहले 60% में। आई 40% कहाँ चला जाता है? 40% तो बाद में काम करा के बाद में 40% उठता है, फिर सेकंड चेक कटता है। तो इसीलिए आप काम नहीं करा पाए? नहीं करा पाए। कितना काम कराए हैं अपने वार्ड में? वही 2 योजना कराए हैं 7 लाख का। तो 5 साल में 7 लाख का काम कराए? जी। क्या स्थिति है काम का? मेरे वार्ड में जो है कि एक भी रोड माने वर्तमान मुखिया जो थे उसके द्वारा नहीं बनाया गया। तो वर्तमान में अभी मुखिया कौन है? वर्तमान में तो अभी उप मुखिया है चार्ज में। तो चार्ज में तो उनके समय में काम नहीं हुआ? अभी तो अभी चार्ज में है ना, इससे पहले फजलू मुखिया थे मुखिया, ये अभी उप मुखिया है चार्ज में प्रभार में। तो ये 5 साल में आप कितना काम कर पाए? ये एक ठो काम सिर्फ वो बशीर मुखिया के आने के बाद 165 फीट का रोड बनाया है, इससे पहले बस फजलू मुखिया के पास भी कई बार गए, वो चेक में दस्तखत नहीं किए माने वार्ड समिति के था। क्यों नहीं कर रहे थे वो? उसका आप कह रहा क्या था मन में हम नहीं बता, कई बार गए जो दस्तखत कर दीजिए मुखिया जी। तो इस बार जो आप लोग चुनाव लड़ेंगे काम जो वार्ड में नहीं हुआ तो जो लोग आपको क्यों वोट देगा? उसमें तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं जब मुखिया जी ही दस्तखत नहीं किए उसमें तो ये बात तो मुखिया जी वोट मांगने जाएंगे आप मांगने जाइएगा? हम लोग जाएंगे ना तो वार्ड सदस्य के लिए तो वोट आप ही ना मांगिएगा, तो काम तो नहीं करा पाए आप। काम जब मुखिया ही नहीं चेक काट पाया तो हम लोग कहाँ से करेंगे। तो यही वही उप मुखिया एवं प्रभारी मुखिया मोहम्मद वसीर भी पवन यादव के समर्थन में दिखे, जबकि कई वार्ड सदस्य भी पवन यादव के पक्ष में दिखे और पंचायत के पिछड़ेपन के लिए फजलुर रहमान को ही जिम्मेदार बताया। मुखिया का कारण विकास नहीं हुआ, इसका मेन उद्देश्य है
कि मुखिया इस पे ध्यान नहीं दिया। जैसे कोनो कोनो वार्ड में मुखिया जी ध्यान दिया तो 20 लाख 30 लाख 50 लाख का काम करवाया। आपका एक नंबर में अच्छे काम हुआ है, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर तो जीरो ही था, मेरे फजलू रहमान जो मुखिया थे उसके रीजन में 2 नंबर पे काम नहीं हुआ था। योजना ज़्यादा खुला हुआ था लेकिन 2 नंबर का योजना एक को खुला हुआ नहीं था। उसमें आके हम जब प्रभार में आए तो 2 नंबर वार्ड में एक को काम करवाए, 3 नंबर वार्ड में 2 को शायद काम हुआ है, तो 3 नंबर में भी काम नहीं हुआ है। तो ये 5 साल में एक ठो दो ठो काम होगा तो लोग ऐसे वार्ड सदस्य को क्यों वोट देगा? वार्ड सदस्य एक्टिव भी नहीं था और उसमें मतलब कि मेरा वार्ड सदस्य जितना भी था जिस वार्ड में काम नहीं हुआ उसमें तो फजलू रहमान उस समय मुखिया था, 4 साल में उसको जिसको लगा कि हम इसको काम देंगे यहाँ काम कराएंगे उसी को दिया काम, उसी से करवाया काम। मनरेगा के तहत काम हुआ है, अभी मोटा मोटी लगभग 70-80 लाख का काम अभी मनरेगा के तहत हम कर चुके हैं। पशु सेट मोटा मोटी 50-60 बन चुका है मेरे रिजन में। लगभग 2,250 फीट लंबा PCC ढलाई हो चुका है। स्कूल में मतलब कि मट्टी भराई नहीं था, स्कूल मेरा पूरा जाने का क्रम में था, उसमें मट्टी भरवाए। चुनाव लड़ेंगे फिर आप? जिन्हें हम मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं वार्ड सदस्य के लिए लड़ेंगे, वार्ड सदस्य में लड़ेंगे और वार्ड सदस्य में आए तो फिर उप मुखिया का दावेदार बनेंगे, उप मुखिया बनेंगे। जबकि कई लोगों ने फजलू रहमान का समर्थन करते हुए पवन यादव को पंचायत की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। आप देखिए कैसे कवैया के कई लोग शोभागंज के फजलू रहमान के समर्थन कर रहे हैं तो शोभागंज इलाके के कई लोग पवन यादव के समर्थन में खड़े हैं और सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों और समर्थकों की जीत का दावा अभी से ठोक रहे हैं और जनता एक मरतब फिर से इंतजार में है कि जब प्रतिनिधि उनके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे तब वे अपना दर्द उसे सुनाएंगे और तब उनसे हिसाब किताब भी किया जाएगा। मुखिया जी कह रहे हैं कि आपके वार्ड में नहीं पूरे पंचायत में काम हुआ है, आप भी वार्ड मेंबर हैं, काम हुआ क्या है आप लोगों ने? जी काम हुआ। क्या सब काम किए? देखिए मनरेगा के तहत जो है वृक्षारोपण हुआ है, मनरेगा के तहत जो है रोड हुआ है और मनरेगा के तहत जो है पशु सेट हुआ है, बकरी सेट हुआ है। अच्छा इतना काम हुआ है, बाकी भी है अभी? जी बाकी तो है, संभव नहीं है एक पीरियड में सब करना। रोड बनाए और सब लिख पर के दिए हैं, होगा काम लिख के दिए हैं। तो ये रोड में मतलब कितना सारी रोडें बन गई या फिर अभी भी बाकी है कुछ? थोड़ा बहुत बाकी है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। अच्छा तो इनका मुखिया जी का कहना हुआ कि 15 साल जो पहले काम हुआ और अभी 5 साल में, 15 साल से अपेक्षा से ज्यादा 5 साल में काम हुआ है, क्या आपको लग रहा है ऐसा सही बात है? काम हुआ है। शौचालय मिला है आपको? ना। शौचालय नहीं मिला है? जी ना। भरे नहीं थे? तो कहाँ हम लोग को बोला जो हम लोग भरे? तो आप लोग कहाँ खेत जाते हैं? खेत जाते हैं, बाहर जाते, बाहर ही जाते हैं। तो शौचालय के लिए क्या ना बोलते हैं वार्ड मेंबर को, मुखिया जी को? वो वार्ड मेंबर कितना बार बोला है तो अभी कहाँ दिया है? अभी दिया नहीं है। जाना। आप कै नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य है? 3 वार्ड का। 3। पंचायत कौन है आपका? कवैया। कितना काम हुआ है आपका ये 5 साल में आपके वार्ड में? मेरा वार्ड में तो 2 गो अभी रोड बना है, 2 गो रोड बनकर को बना है और मुखिया जी को जाते हैं बोलने को लिए कि मुखिया जी आप सचिव बना दिया, मेरा वार्ड मेंबर बना दिया, चलिए काम करने को लिए जो है लेकिन मिलजुल कर लेकिन कि करा दीजिए। तो मुखिया जी क्या बोला कि पहले लेकिन जब पैसा जब कलेक्शन होता है तो 10% वही ले लेता है। अच्छा ले लेता है तो ठीक है लेकिन कि मिलजुल कर करको जे खड़ा हो गया तो हम सबको निकाल दीजिए। तो नहीं मुखिया जी यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशानी, वो ईंटा वाला को कहिया बात कर लिया, ईंटा वाला से जब बात कर लिया तो मेरा हस्बैंड को नहीं कहा ना कोई चीज़ को कहा ना मेरा मालूम किया, जा कर को बात करको क्या बोला उसको बोला करको ये भट्टा वाला ना को भैया बोला कि इसको चेक में साइन की कर दीजिए। तो हम बोले कि नहीं भट्टा वाला को यदि हम उसमें हम साइन करेंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन वही को लिए हम भट्टा वाला को हम ये चेक में हम साइन नहीं किए। तो मुखिया जी वही लेकिन की काम को मेरा बैठा दिया। कौन है मुखिया आपका, कौन ऐसा डिस्टर्ब किया? फजलू।
अभी तो वो मुखिया नहीं है ना, तो यह तो बनने है। तो अभी काम क्यों नहीं हो रहा आपका? अभी काम नहीं हो रहा है, जैसे कि काम के पैसे नहीं है तो हम कैसे क्या कराएंगे? काम नहीं हुआ वार्ड में। काहे नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ, देखने नहीं गया मुखिया क्या क्या नहीं किया। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हम लोग बोलवे करेंगे, क्या करेंगे, बोले नहीं आया, नहीं देखा, नहीं कुछ किया। क्या सब काम आपके वार्ड में होना चाहिए था जो नहीं हुआ? वार्ड में काम रोड बनना चाहिए, थोड़ा नली बनना चाहिए, पानी लगा रहा, देखने के लिए नहीं आया मुखिया सबको। शौचालय वगैरह बन गया है? शौचालय भी नहीं बना है। तो शौचालय भी नहीं। सोच करने कहाँ जाता है? सोच करने बाहर जाता है, नहर पर जाता है, खेत खलियान खेत में जाता है, जिम्मेदार मारता पीटता है। बहरहाल इस पंचायत की चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीदवार अभी से क्षेत्र भ्रमण प्रारंभ कर दिया है, साथ ही अपने अपने मुद्दों की तैयारी में भी लगे हुए हैं ताकि मतदाताओं के दिल में जगह बनाकर उनका मत लिया जा सके। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेक बिल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम, जो आपके घर, दुकान, गोदाम, शोरूम में चोरी होने से बचाएगा। तो फिर देर किस बात की, तो आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेक बिल, भट्टा बाजार, खीर चौक, पूर्णिया, श्री बालाजी एजेंसी, NS 31, गुलाबबाग, पूर्णिया। एवं दूसरा शोरूम AGL टाइल्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, श्री बालाजी एजेंसी, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। यहां जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शॉवर, शॉवर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। और अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS 31, गुलाबबाग, पूर्णिया एवं AGL टाइल्स वर्ल्ड, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है पीयूष जजानी, मोबाइल नंबर 9470867633। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। NS 31 लाइन बाजार, कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।